आज की क्लास में हम सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। तो आइए जानते हैं। आज के समय में अधिकतर लोग सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के टच में रहते हैं और साथ ही आप लोगों तक अपने ओपिनियन शेयर कर पाते हैं। इन सोशल नेटवर्क्स का उपयोग करके आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करती है। अगर कोई बिजनेस करता है या मार्केटिंग में है तो सोशल नेटवर्किंग उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए समझते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या है। सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स टू स्टे कनेक्टेड विथ फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स कस्टमर्स और क्लाइंट्स। सोशल मीडिया एक नेटवर्क्स ऑफ इंडिविजुअल है और सोशल नेटवर्किंग में फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ सोशल पर्पस, अ बिजनेस पर्पस और बोथ थ्रू साइट्स लाइक फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सोशल नेटवर्किंग का एक सोशल पर्पस, एक बिजनेस पर्पस या दोनों हो सकते हैं। लाइक फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम जैसी अन्य साइट्स के माध्यमों से सोशल नेटवर्किंग हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट बेस फॉर मार्केटर्स सीइंग टू एंगेज कस्टमर्स। यानी सोशल नेटवर्किंग कस्टमर्स को अटैच करने की मांग करने वाले मार्केटर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस बन गया है। सोशल नेटवर्किंग का यूज हर कोई अपने पर्पस से करता है। एक इंडिविजुअल का यूज अलग पर्पस के लिए कर एक इंडिविजुअल इसका यूज अलग पर्पस के लिए करेगा, वही एक बिजनेस पर्सन इसका यूज अलग पर्पस के लिए करेगा। तो सोशल नेटवर्किंग के कुछ यूजेस जानते हैं, जैसे सबसे पहले कनेक्शन में रहने के लिए, मतलब किसी से अगर आप किसी से कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप किसी के संपर्क में रहना चाहते हैं, किसी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हम इन साइट्स का यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल मीन्स पर्सन या लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स के कॉन्टैक्ट में रहने के लिए इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं ताकि वह आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और एक दूसरे के द्वारा शेयर की गई इमेज पोस्ट वीडियोस को देख पाएँ। दूसरा, आप कोई भी इंसिडेंट्स या किसी भी इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए उसका यूज़ करते हैं। दुनिया में हो रहे किसी भी इवेंट या इंसिडेंट से अप टू डेट रहते हैं अगर आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं। तो कोई भी कहीं कुछ भी ऐसा एक इंसिडेंट होता है तो वो सबसे पहले आपके साइट्स पर आ जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आता है। तो आपको हर पर चीज़ों के बारे में पता रहता है कि इस टाइम क्या चल रहा है, कोई इवेंट है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उससे अपडेट रह सकते हैं। बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग का यूज़ अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं। आजकल लगभग अधिकतर कंज्यूमर ब्रांड्स और कंपनीज इन्हीं सोशल नेटवर्क्स की हेल्प से अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया की मदद से कोई भी अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमें कुछ
की टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फैमिली और पीयर्स। सोशल नेटवर्किंग फ्रेंड्स फैमिली या कलीग्स के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन US इंक्लूड फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अमेरिका में सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स में फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर शामिल है। मार्केटर्स यूज सोशल नेटवर्किंग फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड इंकरेजिंग ब्रांड लॉयलिटी। मार्केटर्स ब्रांड की पहचान बढ़ाने और ब्रांड की निष्ठा को प्रोत्साहित या इनकरेज करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, यानी ब्रांड की लॉयलिटी, ब्रांड की ब्रांड को पहचानने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया कैन हेल्प कनेक्ट पीपल एंड बिजनेस एंड हेल्प प्रमोट ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया पर्सन एंड बिजनेस को जोड़ सकती है और बिजनेस अवेयरनेस को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। देयर आर डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू सोशल मीडिया इंक्लूडिंग द स्प्रेड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन एंड द हाई कॉस्ट ऑफ यूजिंग एंड मेंटेनिंग सोशल नेटवर्क प्रोफाइल्स। अब अगर सोशल मीडिया के हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सी हमें जो न्यूज़ मिलती हैं वो फेक मिलती हैं, यानी रॉन्ग होती हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं सोशल नेटवर्किंग के। यानी सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया के बीच कम्युनिकेशन को काफ़ी इजी कर दिया है। अगर सोशल नेटवर्किंग हमारे लिए यूज़फुल है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। यानी सोशल नेटवर्किंग के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोशल नेटवर्किंग हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट बोथ इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। यानी सोशल नेटवर्क में पर्सन यानी कोई भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन दोनों को पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरह से प्रभावित करने की कैपेबिलिटी है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वे आउट बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दीज सोशल मीडिया साइट्स। इसलिए इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने के फायदे और नुकसान दोनों को दूर करना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का ध्यान रखकर ही इसका यूज़ करना चाहिए। तो हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट के एडवांटेजेस क्या हैं। एज मेंशन अबव सोशल नेटवर्किंग अलाउ इंडिविजुअल टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स दे वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और बिकॉज ऑफ दे सिंपली लॉस टच। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि सोशल नेटवर्किंग हर इंडिविजुअल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्ट करता है। वे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाते या बहुत लोग एक दूसरे के साथ टच में नहीं हैं, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लोग अदर पर्सन से भी जुड़ सकते हैं जो सेम इंटरेस्ट रखते हैं और न्यू रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यानी
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना सोशल नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है एंड इट कैन स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर और यह जंगल में आग की तरह फैल सकता है। जैसे कि हम लोग जब साइट्स का यूज़ करते हैं और उसमें जो हमें कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है लोगों तक, यानी अगर वो एक जगह पे आई है कहीं किसी साइट्स पे तो उसका स्प्रेड होना इतनी जल्दी होता है कि वो बहुत जगहों पे फैल जाती है। इट बिकेम इंक्रीजिंगली प्रिविलेंट आफ्टर 2012। यह 2012 के बाद तेज़ी से प्रचलित हो गया, यानी 2012 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। दिस इंफॉर्मेशन स्टार्ट एज र्यूमर विच स्प्रेड फास्टर देन फैक्ट्स। ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये अफवाहों के रूप में होती हैं जो फैक्ट से अधिक तेज़ी से फैलती हैं। मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एकदम करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है या जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से फैलती हैं, यानी वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं अगर हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो। यानी जितनी तेज़ी से हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी उतनी तेज़ी से जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है ठीक वो फैलने लगती है, वो स्प्रेड होने लगती है। वन स्टडी फाउंड द मिस इन्फॉर्मेशन इज 70% मोर लाइकली टू बी शेयर्ड देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विटर। स्टडी में पाया गया कि ट्विटर पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या सही जानकारी की तुलना में जो फेक इन्फॉर्मेशन होती हैं या जो गलत इन्फॉर्मेशन होती हैं शेयर किए जाने की पॉसिबिलिटी 70% तक ज़्यादा होती है। नेटवर्किंग ऑन सोशल मीडिया कैन हैव जस्ट एज मच ऑफ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन कंपनीज। सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग का कंपनीज पर उतना ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रांड्स कैन स्प्रेड वेरी क्विकली ऑन सोशल मीडिया। किसी भी ब्रांड की आलोचना सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल सकती है। जैसे अगर कोई ब्रांड लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगती है। दिस कैन क्रिएट अ वर्चुअल हेडेक फॉर अ कंपनीज पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। यह कंपनीज का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए एक वर्चुअल हेडेक पैदा कर सकता है। मतलब अगर लोग किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो उसका इफ़ेक्ट होता है ये कंपनीज पर पड़ता है, जो और उनके जो उनका जो पब्लिक रिलेशनशिप होता है वो ख़राब हो सकता है क्योंकि लोग उनके ब्रांड्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, उनको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम आते हैं फेसबुक। फेसबुक क्या होता है? आजकल सभी लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। फेसबुक एक हमारी बहुत ही पॉपुलर एंड फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। फेसबुक अपने रजिस्टर्ड यूज़र को प्रोफाइल क्रिएट करना, उसमें फ़ोटोज़ एंड वीडियोस अपलोड करना, मैसेजेस सेंड करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स के साथ टच में रहना अलाउ करता है। फॉर यूज़ फेसबुक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन अकाउंट ऑन जीमेल और याहू। अगर आप फेसबुक पे अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जीमेल या याहू पे अकाउंट होना ज़रूरी है। अब फेसबुक हमारा आया कब? तो 2004 में मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मॉस्कोविट्स और क्रिस ह्यूज ने, जो उस टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तब एक वेबसाइट की डिज़ाइन की थी जिसका यूज़ स्टूडेंट्स
एक दूसरे के टच में रह सकें, जहां वो अपनी सभी फोटोज शेयर कर सकें और साथ ही नए लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। उन्होंने इस वेबसाइट का नाम thefacebook.com रखा था और ये उस समय हार्वर्ड कैंपस में बहुत पॉपुलर भी हुआ था। उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी जिसका मेन इंटेंशन था कि यूनिवर्सिटीज़ के सभी न्यू स्टूडेंट्स की एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई जाए। उस समय इस वेबसाइट की मेंबरशिप केवल हार्वर्ड स्टूडेंट्स के पास ही थी, लेकिन बहुत ही कम समय में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा था। और वन ईयर तक फेसबुक के टोटल यूज़र्स की जो नंबरिंग थी वो 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो फेसबुक एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यानी US में है। और फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके बाद आप अपने फेसबुक पे कैसे अकाउंट को क्रिएट करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे www.facebook.com डालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे ये साइट डालते हैं आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपके पास ये फेसबुक पेज ओपन होकर आ रहा है जहाँ पे शो करेगा कुछ डिटेल्स, यानी आपको अपनी कुछ डिटेल्स को फिल कराना पड़ता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, और वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे री एंटर करेंगे। फिर आप फेसबुक के लिए जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना लीजिए। आपको आपका बर्थ मंथ, आपकी बर्थ डेट, आपका बर्थ ईयर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इतना करने के बाद आप साइन अप करिए। जब आप साइन अप करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट आती है, वुड यू लाइक टू रिमेंबर द पासवर्ड फॉर योर आईडी ऑन facebook.com, यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होकर आता है, यानी फेसबुक स्टोर योर कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर यू सो दैट वी कैन हेल्प यू रीच मोर पीपल एंड कॉन्टैक्ट कनेक्ट फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए चीज़ें गिवन होती हैं, यानी यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, यानी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसी टाइम अपने फ्रेंड्स को ऐड करना चाहते हैं ढूंढ के तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी ऐड नहीं करना था तो हमने यहाँ पे स्किप द स्टेप किया। यहाँ पे पूछेगा पीपल हु कंप्लीट दिस स्टेप यूजुअली फाइंड अप टू 20 फ्रेंड्स, यानी जो लोग इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो वो 20 फ्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं। एंड फेसबुक इज अ लॉट मोर फन विथ फ्रेंड्स। तो अगर आप स्किप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे श्योरिटी लेता है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू स्किप दिस स्टेप, तो आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपके पास सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके एक फॉर्म ओपन होकर आता है जहाँ पे आपसे हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर, करेंट सिटी या होम टाउन पूछता है। अब देखिए ये जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, तब तो वो इनको फिल कराएगा, और अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो इन डिटेल्स को फिल नहीं कराता है। यानी योर स्कूल एंड एम्प्लॉयर आर करेंटली पब्लिक टू हेल्प यू कनेक्ट विद क्लासमेट्स एंड को वर्कर्स, यू कैन मैनेज द विजिबिलिटी ऑफ योर स्कूल एंड एम्प्लॉयर बाय एडिटिंग द अबाउट सेक्शन ऑन योर टाइमलाइन। यहाँ पर अगर आप कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो अपनी इन प्रोफाइल्स को फिल कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, कोई बिजनेस पर्सन नहीं करना चाहता तो वो इसको स्किप भी कर सकता है, आपने स्किप किया। इसके बाद अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है,
आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको नहीं लगाना है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिटिंग करनी है तो आप एडिट प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे वर्क एंड एजुकेशनल के बारे में कुछ पूछते हैं। वेयर हैव यू वर्कड, यानी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। वेयर डिड यू कॉलेज, अगर आपने अपनी प्रोफाइल की फिलिंग कराई है तो आपका कॉलेज कहाँ है, आपने हाई स्कूल कहाँ से की है, इस तरीके से आप यहाँ पे फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने वर्क एंड एजुकेशन में लिया है तो आप यहाँ पे वर्क में डाल सकते हैं कि आप किस जगह पे वर्क करते हैं। फिर जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है, कोई डिस्क्रिप्शन आपको देना है। आप यहाँ पे टाइम पीरियड बता सकते हैं कि आप अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं, या आपने वहाँ पे कितने साल तक काम किया है। इसके बाद यहाँ पे ऐड जॉब्स का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन वगैरह हमने डाल दिया, सिटी टाउन डाल दिया, ऐड जॉब्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डन एडिटिंग, तो आपकी जो एडिटिंग वगैरह होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जिस नाम से आपने अपनी आईडी बनाई थी वो नाम भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। इसके बाद अगर आप प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें शो करती हैं, एक्टिविटी वगैरह। यहाँ पे आप लाइक्स, अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं उसको। फिर अगर आप कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, आप मतलब आप अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं कि आप म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है, आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है, कोई टीवी शो है जो आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप म्यूज़िक लेते हैं तो आप बताइए कि यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किस तरीके का म्यूज़िक पसंद है। अगर आप बुक्स लेते हैं तो आपको पूछेगा आपको किस तरीके की बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, किस टाइप की मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं, कौन सा टीवी शो अच्छा लगता है, कौन से गेम्स आपको ज़्यादा पसंद हैं, कोई एथलीट है आपका फेवरेट, या कोई स्पोर्ट्स टीम जो आपकी फेवरेट है, कोई फेवरेट स्पोर्ट्स है आपका, तो आप इनको फिल करा सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद टाइप योर प्रीफ्रेंसेस, यानी फेवरेट म्यूज़िक में यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जब आप अपनी प्रीफ्रेंसेस दे देते हैं तो इसके बाद आप डन एडिटिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो प्रीफ्रेंसेस हैं वो भी सेव हो जाएंगी। इसके बाद क्लिक हियर टू व्यू योर प्रोफाइल, यानी अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल ऐड करा सकते हैं, देखना है तो आप देख भी सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल ऐड करा रहे हैं तो ऐड प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे पूछता है टेक फ़ोटो, इस पर क्लिक करते ही जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है आप उस फ़ोटो को सेलेक्ट करके उसको ओपन करा सकते हैं, कोई भी आपको अगर प्रोफाइल सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ये फ़ोटो ऐड होकर आ गई। टू ऐड अ कवर इमेज क्लिक हियर, अगर आप अपने इस इमेज को कवर पे लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐड अ कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपलोड फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो कर देंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, और जो आपने चेंजेस किए हैं अगर आपको चेंजेस सेव कराना है तो आप सेव चेंजेस कर दीजिए, आपके जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका नाम आप प्रोफाइल वगैरह शो करने लगेगी, आपने जो भी अपनी प्रोफाइल में जो भी डिटेलिंग दी होगी, जैसे स्कूल या फैकल्टी में आपने डाला था, ठीक है, आपने अपनी स्टडी डाली थी, कहाँ रहते हैं आपने डाला था, ये सब शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।